So, good morning, good afternoon, good evening, and good night. No, sir, good night मत बोलो, नींद आएगी. To all my dear students, आज हम लेकर आया है लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर पे लेक्चर, लेक्चर नंबर 11. वेरी बेसिक लेक्चर, ठीक है? बहुत बेसिक लेक्चर है. सर आप ऐसा ही बोलता है हर लेक्चर में, क्या करेगा बच्चा, बोलना पड़ता है. बेसिक बघा आधी, आधी बेसिक समजून घ्या, मग कंसेप्ट तुम्हाला आपोआप कळून जाईल. देखो बच्चों, इलेवंथ में हमने देखा था, इलेवंथ स्टैंडर्ड में, 2D, ऑफकोर्स लाइन इन 2D. सपोज AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन. आई रिपीट, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0. सी जेड नहीं रहे, लाइन का इक्वेशन है 2D में, ओके? और ये लाइन के आउटसाइड एक पॉइंट है, P इंटू ब्रैकेट X1 Y1 Z1, ओके? प्लेन चा आउटसाइड वरती एक पॉइंट है. प्लेन सॉरी मोबाइल डिस्टर्ब करतो, इडियट, नॉनसेंस. हाँ, ये लाइन के आउटसाइड पे एक पॉइंट दिया है. पॉइंट क्या है? X1 Y1 Z1. और लाइन का इक्वेशन क्या है? AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0. मैंने आपको 11th में पढ़ाया था कि सर वी कैन फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. डिस्टेंस ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या रहता है बच्चा? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं. डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेता है अपन बाय डिफॉल्ट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन. ओके, चैप्टर प्लेन चल रहा है, लेट मी एक्सप्लेन बेसिक देन कंसेप्ट. अब मुझे बताओ, कैन यू फाइंड? अरे सर, X1 Y1 आएगा, आप किधर गया, सो गया क्या? नहीं. ओके सर, 2D है इसलिए पॉइंट क्या आएगा? X1 Y1. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ये ऐसा क्यों हुआ? बीच में एक कॉल आ गया मंदबुद्धि इडियट नॉनसेंस का, जो भी था वो था, इसलिए डिस्टर्ब हो गया. देखो बच्चा, P into bracket X1 Y1, ये पॉइंट है 2D में, वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस. और लाइन का इक्वेशन दिया है, बच्चा जानता है वी कैन फाइंड दैट डिस्टेंस डी मॉड, ऑफकोर्स मॉड. ये लाइन का इक्वेशन उठाओ, लिख दो AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. इथं घ्यायचं नाही, 11वीला बेसिक मध्ये सांगितले, जे 11वीला नव्हते अशांसाठी हा एक्सप्लेन करतो मी टॉपिक. लाइनच्या लेफ्ट साइडला उचलायचं, ठेवायचं, आणि खाली काय लिहायचं रे लेकांनो? A² प्लस B² C² घ्यायचा नाही, फक्त X आणि Y कोएफिशिएंट. ओके, देन आता ह्या X1 ला आणि Y1 ला रिप्लेस करायचं. X च्या ठिकाणी X1 ची व्हॅल्यू टाकायची, Y च्या ठिकाणी Y1 ची व्हॅल्यू टाकायची. सॉल्व करने का यू विल हॅव द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाईन. अंडरस्टूड? यस सर. अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, देख बच्चा क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व दैट क्वेश्चन. X - 2Y प्लस इज इक्वल टू 3, और पॉइंट दिया है P into bracket -1, 2. कैन यू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? यस सर, यूजिंग अबव फॉर्मूला. चलो, डी इज इक्वल टू, लाइन का इक्वेशन क्या है बच्चा? X - 2Y - 3. ये प्लस 3 को इधर लाओ, -3 इज इक्वल टू 0. इज इक्वल टू 0 यहां पर नहीं लिखना है, अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B². ओके, बोल बच्चा, ए कितना है? 1. बी कितना है? -2. ओके, नाउ रिप्लेस एक्स बाय X1, वाई बाय Y1. बोलो फिर ये क्या आएगा? X1 की वैल्यू कितना है बच्चा? -1. माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज. Y1 की वैल्यू कितनी है? 2. -3 अपॉन, सिंप्लीफाई दिस वन, यू विल हैव √5. सो सिंप्लीफाई इसको कर लो, ये आएगा -1, -4, -3, मतलब -8 अपॉन √5, -8 अपॉन √5. ये तो मॉड में था, आंसर आएगा 8/√5 यूनिट्स, बिकॉज ये क्या है? डिस्टेंस है. अंडरस्टूड? बहुत बेसिक है, थोड़ा टाइम पास किया, मैं बोला था बेसिक लेक्चर है. देन सर, अब यही कंसेप्ट हमको स्विच करना है प्लेन में. टीपो, ये आपका प्लेन का इक्वेशन है,
ओके सर, इक्वेशन क्या है प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में? एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। ओके, और प्लेन के आउटसाइड पे एक पॉइंट दिया है, ऑफ कोर्स एक्स वन वाई वन और जेड वन, बिकॉज प्लेन किसमें है हमारा? थ्री डी में है। नाउ वी हैव टू फाइंड दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कुछ नहीं बच्चा, थोड़ा सोचना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद थोड़ा सा यहां पर एडिट करना है। ओके, बोलो आंसर क्या आएगा? डी इज इक्वल टू, आंसर मतलब फॉर्मूला, बोल बच्चा बोल क्या आएगा? डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ प्लेन का इक्वेशन की लेफ्ट साइड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो घ्यायचा नाही। जर पलीकडे हा कॉन्स्टंट असेल तर त्याला अलीकडे आणायचं आहे, लेफ्ट साइड आणायचं आहे, मग त्या ठिकाणी टाकायचं आहे। अपॉन में क्या आएगा बोलो बच्चा? अभी यहां पर क्या था अपॉन में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट। यहां पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी स्क्वायर घ्यायचा नाही कारण तो कॉन्स्टंट है, खत्म। अब क्या करना है? एक्स के जगह पे क्या रिप्लेस करना है? एक्स वन, वाई के जगह पे वाई वन, जेड के जगह पे जेड वन, टॉपिक फिनिश। अंडरस्टूड? यस। टिपो टिपो टिपो, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। लिखो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये उसका फॉर्मूला है। देन वेरी बेसिक फंडामेंटल, चलो ये बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक में है, लेट मी सॉल्व दैट क्वेश्चंस। मेरे साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सर कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, वेरी सिंपल। ले लो क्वेश्चन। हाँ, लेट मी क्लियर, अगर प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है आर बार डॉट समथिंग, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दैट वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन एंड देन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, टेक्सबुक मध्ये वेक्टर इक्वेशन साठी काहीतरी वेगळा फॉर्मूला आहे, तो करण्याची गरज नाही आहे, आपण बहुत होशियार बच्चा आहे, वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करेगा और शुरू हो जाएगा। ओके, यू कैन चेक कि सर टेक्सबुक के अंदर वेक्टर का फॉर्मूला कौन सा है, जब वेक्टर इक्वेशन दिया है प्लेन का तो फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, यू कैन चेक, देख लो, उतना तो होमवर्क देखेंगे ना कम से कम। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर वन, या फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 1 माइनस 1 2 फ्रॉम द प्लेन आर बार डॉट I प्लस 2J प्लस 2K इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। चला करा सॉल्व, माझ्यासोबत सॉल्व करा फास्ट मध्ये। सर फोटो खींचो, पहले फोटो खींच लिया, पॉइंट क्या है बच्चा? 1 माइनस 1 2, प्लेन का ये कौन सा इक्वेशन है रे? वेक्टर इक्वेशन। आई टोल्ड यू कन्वर्ट दैट वेक्टर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन, क्या आएगा बोलो? x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 7, 7 को इधर लाओ, माइनस 7 इक्वल टू 0, ये आपको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेगा। हाँ सर, ये क्या है? एक्स वन वाई वन जेड वन, और ये आपका प्लेन का इक्वेशन, फिनिश। फास्ट में सॉल्व करो, उठाओ उसको फॉर्मूला, एक्स प्लस 2y प्लस 2z माइनस 7 एज इट इज, उसको उठाना है। नीचे क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए कितना है? 1 का स्क्वायर 1, बी कितना है? 2 का स्क्वायर 4, सी कितना है? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ एक्स रिप्लेस बाय एक्स वन, वाई रिप्लेस बाय वाई वन, जेड रिप्लेस बाय जेड वन, सो देयरफॉर डी इज इक्वल टू, बोल बच्चा एक्स वन कितना है? 1 प्लस 2 इंटू वाई वन, वाई वन कितना है? माइनस 1 प्लस 2 इंटू जेड वन, जेड वन कितना है? 2 माइनस 7 अपॉन रूट 9, रूट 9 मतलब कितना? 3, सो वी कैन सिंप्लीफाई इट, यह आएगा 1 प्लस माइनस 2 प्लस 4 माइनस 7, मतलब क्या आएगा? ये माइनस 1, राइट? 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 4, अरे काय सांगत बसले सर तुम्ही, माइनस 1 प्लस 4 विच इज 3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 7 विच इज माइनस 4 अपॉन 3, सो आंसर इज 4 बाय 3 यूनिट्स। Got it?
यस सर, कधी कधी काय होतंय, हा जो पॉइंट मी या ठिकाणी दिलाय तो पॉइंट वेक्टर फॉर्म मध्ये असतो, आय मायनस जे प्लस टू के, मतलब यहां पर क्या रहता है, आय माइनस जे प्लस टू के, डोंट वरी बच्चा, उसका पॉइंट क्या आएगा, वन माइनस वन टू। थोडक्यात काय, पॉइंट वेक्टर फॉर्म मध्ये पण देऊ शकतात, पण डायरेक्ट मग तुम्ही त्या पॉइंटला आपल्या कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये लिहून टाका एक्स वाय झेड मध्ये, अँड देन यूज दॅट फॉर्म्युला। अंडरस्टूड, समज में आया, ओके सर, क्लियर है, नहीं समझा, समझ गा, और एक क्वेश्चन लू, नहीं सर बस बहुत हो गया, ठीक है अजून एक क्वेश्चन घ्या, ठीक है फास्ट मध्ये अगदी फास्ट, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट ले लो बच्चा, पॉइंट ले लो आय माइनस जे प्लस थ्री के, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन आय प्लस आर बार डॉट माइनस जे प्लस थ्री के इक्वल टू वन, चला करा सॉल्व लवकर, एकदम सिंपल है रे सर, काय टाइम पास चालू है, हाँ क्या करेगा, टाइम पास ही चल रहा है, आई टोल्ड यू कि बच्चा बहुत सिंपल कंसेप्ट है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन कौन सा चाहिए बच्चा, कार्टेशियन इक्वेशन, डन, कर लिया सॉल्व, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखो 2 into डायरेक्ट कर तो पर का 2 into -1, देख बच्चा 3 into 3 -1, डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट, देखते हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता है, तो तुमचा होमवर्क है, मैं तसा पण तरी मी तुम्हाला सॉल्व करून दिलाय, 2 2 2 2 2 2 2 2, ओके पॉइंट डाल दिया, एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4 + 4 + 9 सॉल्व कर ले, 2 + 2 9 - 1 यह आएगा 8 17 17, खत्म, यह आएगा आपका 8, मतलब ऊपर आएगा आपका 12, सो आंसर इज 12/√17 यूनिट्स। हाँ सर, तुम्ही जे आधी बेसिक सांगितलं ना, ते लाईनचं नाही का, ते लाईनचं ते बेसिक तर आमचं आधीपासून क्लिअर होतं, परत तुम्ही ते सांगितलं, नंतर हे बेसिक सांगितलं, फिर बच्चे वाली बात थी, तुम्ही आपने टाइमपास कर दिया सर, क्या करेगा, क्वेश्चन टेक्सबुक में 3-4 क्वेश्चन आहे, इसलिए लेना तो पड़ेगा, घ्यावं तर लागणार, अंडरस्टूड, यस, नेक्स्ट कन्सेप्ट, ओके सर, सर आप इतना इतना क्यों भगा रहा है, अरे बच्चा कितना स्लो चल रहा है, कितना स्लो, लिख लिया इसको, हाँ नाउ माय नेक्स्ट कंसेप्ट, माय नहीं सर, आवर नेक्स्ट कंसेप्ट, ये मेरा थोड़ी ना कंसेप्ट है, ये हम सब के लिए है, पहला वाला कंसेप्ट क्या था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, लिखो उधर चिपकाओ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ओके, नेक्स्ट सेकेंड कंसेप्ट, पहले बेसिक, ओ माय गॉड, उसके बाद कंसेप्ट, यस सर, ऐसा ही पढ़ाओ सर, मजा आता है, देख बच्चा 2D के अंदर, मतलब लाइन में, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, पैरेललस काढ़ा ना सर, किधर भी देख रहा है तुम, हाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू, हे तर 11वीचं बेसिक है, तरी मी सांगतो 2D मध्ये जर दोन लाइन्स काय असतील पैरेलल, तर एक्स एक्स आणि वाय वाय ची कोएफिशिएंट सेम पाहिजे, थोडक्यात इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम आता है, फक्त डिफरन्स कुठं असतो, कॉन्स्टंट मध्ये, डिफरन्स कुठं असतो, कॉन्स्टंट मध्ये, मला सांगा आधी, जर मी असं बोल, बघा लेट मी क्लिअर, या दोन पॅरलल लाईन मधला मला डिस्टन्स फाइंड करायचा आहे, डी, दोन पॅरलल लाईन मधला डिस्टन्स फाइंड करायचा आहे डी, तर फॉर्म्युला बोला काय, C1 - C2 / √A² + B² टीपो टीपो टीपो, जिस बच्चों को पता नहीं है चिपकाओ, C1 हा C2, C1 - C2 / √A² + B² C² नहीं है, ओनली A² + B² आप ऐसा भी कर सकता है बच्चा, C2 - C1,
ऐसा क्यों? बिकॉज देर इज अ मॉड. बट यूजली यू कैन टेक सी वन माइनस सी टू. ओके, बट मेक श्योर दैट एक्स का जो यहां पर कोएफिशिएंट है, एक्स का जो यहां पर कोएफिशिएंट है, वो सेम होना चाहिए. अगर सेम नहीं है तो पहले आपको उसको सेम करना है एंड देन सी वन सी टू को डिसाइड करना है. हाँ, ओके, यस सर. फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर, ओके, लेट अस कंसिडर, ले लो क्वेश्चन. एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. और क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, इसको C1, इसको C2, गलती से भी नहीं बोलना बच्चा, बिकॉज x का कोएफिशिएंट सेम नहीं है. उसको पहले सेम कर ले. x का कोएफिशिएंट सेम करेगा तो बाय डिफॉल्ट y का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा. ओके, म्हणजे सर, ओके, भावना पोहोचल्या. ए आणि ए सारखा पाहिजे ना. सो ह्या इक्वेशन टू ला, या इक्वेशन को टू से डिवाइड करो और इक्वेशन वन ला टू ने मल्टीप्लाई करा. एकच झालं ना. आय रिपीट, इक्वेशन टू जो दिसतोय त्याला टू ने डिवाइड करा. इथे किती मग? वन वन थ्री बाय टू आला सारखा. मग वन वन, हां, किंवा इक्वेशन वन ला टू ने मल्टीप्लाय करा. काय करायचं बोला? ठीक है, इक्वेशन वन ला टू ने मल्टीप्लाय करा. टू टू टू, टू इंटू जीरो जीरो. अब यहां पर आपका ये क्या है? ए. ए कितना है बोलो बच्चों? टू, टू का स्क्वायर. बोलो बी कितना है? अगेन टू, टू का स्क्वायर. नाउ C1 एंड C2, अब ये आपका है C1 और ये आपका है C2. अंडरस्टूड? A और B पहले सेम कर देने का, उसके बाद C1 C2 डिसाइड करने का. बच्चा यही गलती करता है, पहले C1 C2 लिखता है फिर A और B को सेम करता है. इडियट, नॉनसेंस. नहीं, बोल C1 कितना है? C1 माइनस C2 ना. बोल C1 कितना है? माइनस टू, माइनस एज इट इज. C2 कितना है? माइनस थ्री. सो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस. ये कितना नीचे आएगा? रूट एट. माइनस टू प्लस थ्री विच इज वन, वन अपॉन रूट एट, मतलब डी कितना आएगा? वन अपॉन टू रूट टू यूनिट्स. ये तो बेसिक था सर, भावना पोचल्या तुमच्या आम्हाला सर. हा कन्सेप्ट ज्याला कळाले, हा कन्सेप्ट सर आम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आता परत एकदा परफेक्ट झालंय. या कन्सेप्टवरती आपल्याला आता प्लेनचा कन्सेप्ट बनवायचा आहे. ओके सर, लेट अस कन्सिडर प्लेन वन अँड प्लेन टू. ये दो प्लेन कैसे है? पैरेलल टू ईच अदर. फिर ये प्लेन का इक्वेशन आएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन. एंड ये प्लेन का एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो. ऑफ कोर्स एक्स एक्स का कोएफिशिएंट, वाई वाई का कोएफिशिएंट और जेड जेड का कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर सेम नहीं है तो सेम कर लो. टॉपिक का नाम क्या है बच्चा? डिस्टेंस बिटवीन. लिखो अभी डिस्टेंस बिटवीन, लिखो टॉपिक का नाम. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. इसके पहले वाला जो टॉपिक था उसका नाम क्या था? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. अब क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. यहां का डिस्टेंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब क्या आएगा? सेम आएगा. ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस डी. तो बोलो बच्चों, दिमाग लगाओ, क्या आएगा? कॉपी पेस्ट एडिट. यहां पर C1 माइनस C2 था, यहां पर क्या आएगा बच्चा? D1 माइनस D2. यहां पर नीचे क्या था? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहां पर क्या आएगा? ओ माई गॉड, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. टिपो, चिपकाओ. अगर चमक गया तो चिपकाओ. डी वन डी टू, ओके, ऑफकोर्स ये कॉन्स्टेंट्स. बट डी वन डी टू कधी लिहिणार? आधी हे कोएफिशिएंट्स सेम करून घेणार.
अगर सर ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट, बच्चा ध्यान से सुन ले, अगर ये प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया है तो वी नीड टू कन्वर्ट दैट वेक्टर इक्वेशन इनटू कार्टेशियन इक्वेशन एंड देन यूज दिस कंसेप्ट और यू कैन से दिस फॉर्मूला, खत्म। ओके सर, अरे क्या बच्चे वाली बात थी आज, ये बेसिक पढ़ाया इसमें दम नहीं था, वो बेसिक पढ़ाया उसमें दम नहीं था, टॉपिक को फिनिश कर दिया। आता नावला दोन चार क्वेश्चन घेतो टाइम पास, क्वेश्चन तो घ्यावी लागतील ना, भरपूर क्वेश्चन घेतो आपण। हा टिपो टिपो टिपो, भारी ना सर, तुम्ही जे सांगता ना ज्या वेळी नाही का आधी हे मग ते लगेच कळतो सर। थँक यू सो मच फॉर युअर लवली कमेंट्स, जे तुम्ही मनातल्या मनात बोलताय ना तुमच्या भावना मी समजू शकतो चांगल्या प्रकारे, मीच काय कुणी पण समजू शकतं नाही, फक्त मीच समजू शकतो। ओके ले लो क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टन्स ऑफ द प्लेन्स एक्स प्लस वाय मायनस झेड प्लस थ्री इक्वल टू झिरो अँड टू एक्स अँड थ्री एक्स प्लस थ्री वाय माइनस थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो। अरे क्या सर, फ्रॉम द पॉइंट कुछ नहीं है, दो फ्रॉम द पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन कैसा है, पैरेलल है, ये कहां से समझेगा, देखो वन थ्री माइनस वन माइनस थ्री, इसका मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शन में है। अरे वेरी बेसिक फंडामेंटल, क्यों क्वेश्चन मध्ये मेंशन केलं जाईल, फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल प्लेन्स असं पण मेंशन केलं जाईल। अरे दोन प्लेन मधला डिस्टन्स फाइंड करायचा आहे तर ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट ते दोन्ही प्लेन्स कसे पाहिजे रे मंद बुद्धी, पॅरललच पाहिजे ना, तरच त्यांच्या मधला डिस्टन्स फाइंड करता येईल। का बोलले सर, परत बोला, भारी बोलले पण भारी बोलले, दोन प्लेन मधला डिस्टन्स फाइंड करायचा असेल तर मंदबुद्धी बाय डिफॉल्ट ते दोन्ही प्लेन्स कसे पाहिजे, पॅरलल पाहिजे, तरच त्यांच्या मधला काय फाइंड करता येतो, डिस्टन्स। ठीक आहे चलो, प्लेन वन अँड प्लेन टू, प्लेन वन का इक्वेशन क्या है बच्चा बोल, एक्स प्लस वाय मायनस झेड प्लस थ्री इक्वल टू झिरो, प्लेन टू थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड प्लस वन इक्वल टू जीरो, इन दोनों के बीच में का क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस डी, कैन यू, यस सर, इसको डी वन बोलेगा डी टू बोलेगा, सर गलती से भी नहीं बोलेगा, पहले कोएफिशिएंट सेम कर लो। हाँ बोला, इक्वेशन वन ला कितने मल्टीप्लाई करना, थ्री ने मल्टीप्लाई करा सो थ्री 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 आ जाएगा, और यू कैन से ऐसा भी करो, और यू कैन से इक्वेशन टू ला थ्री ने डिवाइड करा, काय करायचं बोला, मल्टीप्लाय करायचं का डिवाइड करायचं, शक्यतो मल्टीप्लाय करा, ठीक आहे इक्वेशन वन ला थ्री ने मल्टीप्लाय करा, देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको, ये आएगा थ्री 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 और आएगा नाइन, बोलो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, डी वन माइनस डी टू अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डी वन कितना है बच्चा नाइन, डी टू कितना है वन, ए कितना है थ्री, बी थ्री, सी माइनस थ्री, देखो दोनों जगह पे ए बी सी दोनों जगह पे ए की वैल्यू सेम है, उसके बाद वाई की वैल्यू सेम है, सी की भी वैल्यू सेम है, माइनस थ्री सिंप्लीफाइड, ये कितना आएगा एट अपॉन नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन ट्वेंटी सेवन यूनिट्स, एज यू विश यू कैन सिंप्लीफाइड, इसको बोलो थ्री इंटू नाइन सो थ्री इंटू थ्री, ऐसा भी आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, गेट इट गॉट इट गेट इट नहीं सर गॉट इट, गेटिंग और नॉट कहना था बट बोल दिया, गॉट इट सर, यस सर गॉट इट, अच्छे से समझ में आया, अंडरस्टूड वेरी वेल। और एक क्वेश्चन तू, अरे सर टाइम पास करू नका, बर गया चला चला तुमची इच्छा, इसको टिप लिया ले लो, देन वी विल स्टॉप, ये लास्ट क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, मैं भी सॉल्व करूंगा, देखते हैं किसका आंसर आता है। या क्वेश्चन फाइंड फाइंड
the distance between planes r bar dot 2i minus j plus 2k ऐसे ले लो, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 4i माइनस 2j प्लस 4k इक्वल टू 1 एंड r bar dot 2i माइनस j प्लस 2k क्या आप लिया इक्वल टू 5. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, क्वेश्चन आप लिख लो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम. चलो सॉल्व कर लो, प्लेन वन प्लेन टू, बोल बच्चा प्लेन वन का इक्वेशन क्या आएगा, 4x कार्टेशियन ना, कार्टेशियन आई टोल्ड यू 4x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1. प्लेन टू का इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5. एक काम कर ले, पहले 1 को इधर ला, दोग तिकड़े पण चालतील दोग इकड़े पण चालतील, इसको डी वन डी टू कह सकता है राइट, थोड़क सेम करूँ घया आधी हे कोएफिशिएंट सेम करूँ घया, राइट साइडला डी वन डी टू पण म्हणू शकता, बट आपला कन्सेप्ट मी तुम्हाला सांगितलं आहे, इकडे आना आधी इकडे आना माइनस वन ठीक है ला लिया, उसको इधर लाओ माइनस फाइव ठीक है ला लिया ठीक है. अब बोलो यहाँ पर टू है, यहाँ पर फोर, यहाँ पर टू है, सो हियर फोर चाहिए और हियर टू चाहिए. एक काम करेंगे अभी इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन को टू से डिवाइड करेंगे, करा ना मल्टीप्लाई किलो होता ना तो डिवाइड करूँ बो, इक्वेशन वन ला टू ने डिवाइड करा, ये क्या आएगा फिर टू या आएगा वन या आएगा टू या आएगा वन बाई टू, क्लियर है? यस सर. नाउ यू कैन से आपकी कौन सी वैल्यू है डी वन की और ये कौन सी वैल्यू है डी टू की, वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू प्लेन्स. डी वन बोलो बच्चों कितना है माइनस वन बाई टू, डी टू कितना है माइनस फाइव, खत्म. सो हियर डी इज इक्वल टू डी वन माइनस डी टू हाफ ऑन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. डी वन कितना है बच्चा बोल, डी वन कितना है माइनस वन बाई टू, डी टू माइनस फाइव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस वन का स्क्वायर वन, टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन प्लस फोर विच इज रूट नाइन, मतलब कितना आएगा थ्री, और ये माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है. आई कैन सिंप्लीफाई इट, डी इक्वल टू ये माइनस वन प्लस टू इंटू फाइव टेन, अपॉन का टू नीचे जाएगा टू और थ्री सिक्स हो जाएगा, अरे बेसिक है रे इडियट, ये क्या आएगा ऊपर फिर नाइन, ये थ्री मतलब ये थ्री बाय टू, आंसर इज थ्री बाय टू यूनिट्स. बेसिक कैलकुलेशन था, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं. टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे मैंने ट्राई किया, एक दो क्वेश्चन रह गए होंगे, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन एज अ होमवर्क. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल लेक्चर सर. क्या था पहला पॉइंट, क्या था हमारा आज जो पढ़ाया हमने, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ठीक है. फॉर्मूला क्या है उसका, डी इक्वल टू बोलो, डी इक्वल टू प्लेन का इक्वेशन ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन टाकून दिया, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन मतलब ये डिस्टेंस. और सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा जो पढ़ाया हमने, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, प्लेन शुड बी पैरेलल देन एंड देन यू कैन फाइंड देयर डिस्टेंस. अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो उन दोनों में का डिस्टेंस क्या आएगा, जीरो आएगा, बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग. देखो अगर प्लेन पैरेलल्स है तो वी कैन फाइंड डिस्टेंस, अगर प्लेन पैरेलल नहीं है तो वो जाके कहां ना कहां मिलने वाले है, सो उनमें का डिस्टेंस क्या आएगा, जीरो आएगा. कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन थिंग. डन हो गया, डन 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 डन. लेक्चर नंबर 11 बहुत सिंपल था सर, सब कुछ सिंपल चल रहा है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि लेक्चर्स एक बार देखने के बाद अगर समझ में नहीं आया, सर ऐसा नहीं होगा, अगर समझ में नहीं आया दोबारा देख ले, फिर भी नहीं आया तो मुझे कॉल कर, थोड़ा सा तू पले मैं तुझे डांटूंगा, पले कॉल कर किंवा व्हाट्सअप कर, सर नहीं कॉल, थोड़ा रागवणार, प्रेमानेच रागवणार, काळजी करू नका, खूप प्रेम आहे तुमचं माझ्यावर, माझं तुमच्यावर, सिरियसली. फक्त अभ्यास करत राहा लेकांनो, चांगले मार्क्स वाला, ओके. चलो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, स्टे एट होम, स्टे सेफ.
टेक केयर, बाय बाय।